साथियों, पठानकोट में मैं अभी देख रहा था, कई परिवारों से मैं हाथ उठा उठा करके सबको नमस्ते कर रहा था। सारे पुराने लोगों के चेहरे आज मेरे सामने थे। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में, कभी टू व्हीलर पर आता था, कभी रेल के डिब्बे से यात्रा करके पहुंचता था और आपके पठानकोट आता था, कभी जम्मू से दिल्ली जाता था तो रात को ट्रेन स्टेशन पे ये पठानकोट के अनेक परिवार मेरे लिए खाना लेकर के आते थे, मुझे टिफिन का डब्बा पहुंचाते थे। ऐसा जीवन का महत्वपूर्ण समय मैंने आप लोगों के बीच में बताया है। यहां की माताएं बहनें अपने बच्चों को कहती हैं, जहां लगेगी रज तो बढ़ेगा गज, याद है ना? इस हमारे माझा इलाके में हम सुनते हैं, यानी जैसे जैसे शरीर को मिट्टी लगेगी कद भी बढ़ेगा। माझा की इस मिट्टी ने मुझे मां जैसा प्यार दिया है, मां जैसा स्नेह दिया है। लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को जरा सुनना पड़ेगा, आज आपके घर में आया हूं, बताऊं ना, कोई कड़वी बात बताऊंगा तो बुरा नहीं लगेगा ना? ऐसा नहीं, जोर से बताइए, थोड़ा कड़वी बात बताऊं तो बुरा नहीं लगेगा ना? पक्का नहीं लगेगा ना? तो बता दो, बता दो। अब देखिए, आपके बीच में मैं इतने साल रहा, आपकी रोटी खा करके मैं बड़ा, लेकिन जिस तरह से मुझे और भाजपा को हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, वैसा अवसर मुझे पंजाब की सेवा करने का नहीं मिला है। और पहले भी हमारा हाल क्या था, पहले हम यहां भी एक छोटे पार्टनर के रूप में, छोटे दल के रूप में सरकार के साथ एक हाशिए में किनारे पर साथ साथ चला करते थे, पंजाब की शांति के लिए, पंजाब की एकता के लिए, पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए। हमने हमारी पार्टी का नुकसान करके पंजाब का भला करने को प्राथमिकता दी थी। लेकिन आज मैं आपसे मांगने आया हूं, मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको भरोसा देता हूं, किसानी, व्यापार, इंडस्ट्री नो लाहे बंद बनाया जाएगा, गरीबा ते मजदूरानू उना दे एक दीते जानगे, पंजाब नो महफूज ते चढ़दी कलावा बीच रखावे।